हर हर महादेव गाइस, जय माँ पार्वती, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित माखीजा। तो होपफुली आप एकदम बढ़िया होंगे महादेव की कृपा से। तो आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या हम रुद्राक्ष माला के साथ या सिंगल बीड रुद्राक्ष के साथ तुलसी माला या तुलसी की जो कंठी है वो पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है, या फिर यूँ कहें कि लोग डरा देते हैं कि नहीं, तुलसी माला के साथ आप ये मत पहनो, वो मत पहनो, या फिर ये नहीं पहन सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो वो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, पूरी ट्राई करूंगा, जितना ही मुझे पता है उतना मैं आपको बताऊंगा। और जो भी इसके रिगार्डिंग आसपास के क्वेश्चन आएंगे उसका भी थोड़ा आंसर देंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो एंड तक देखना है। अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, बुरा लगता है तो डिसलाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में थोड़ी गालियाँ दे देना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। इंस्टा आईडी आपको दिख रही है, चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखो, इस क्वेश्चन का बड़ा ही सिंपल आंसर है। अगर आपको ये सिर्फ आंसर सुनना है तो आप सुन सकते हैं कि आप रुद्राक्ष के साथ तुलसी माला धारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा मिथ नहीं है कि इसको ऐसे नहीं पहन सकते, वैसे नहीं पहन सकते, या कोई आपको डरा रहा हो तो उसको भी पहन लो कि प्लीज़ स्टॉप, कुछ नहीं होता, मैं पहनूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों पहन सकते हैं, क्यों ऐसा कुछ भी नहीं है? देखो, आपने सुना होगा हर बार जब भी पुराणों में या फिर पुरानी कथाओं में आपने सुना होगा कि भगवान एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे वो शिव जी हो, चाहे विष्णु भगवान हो या उनके अवतार हो, तो वो सब एक दूसरे की मदद करते हैं। जब उनमें ही कुछ ऐसा नहीं है, वो ही एक दूसरे की मदद करते हैं, तो फिर हम लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हम उनके साथ वो नहीं पहन सकते, उसके साथ वो नहीं पहन सकते। देखो, बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जब ये लिखी गई थी, जब ये बातें हुई थी उस बीच बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। देखो, ऐसा होता है ना, हम मैंने क्या सुना, फिर मैं दूसरे को क्या सुनाऊंगा, फिर मैं तीसरे को क्या सुनाऊंगा, तो जब तक बात एंड तक पहुंचेगी तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। तो इसी तरह हमारे साथ अभी हो रहा है। तो आप ये सब बातों में बिल्कुल भी नहीं माने। आप जो भी माला पहन रहे हैं तुलसी की वो, या कंठी पहन रहे हैं, उसके साथ आप रुद्राक्ष जरूर धारण करें, क्योंकि उनमें ही कोई मतलब भेदभाव नहीं हुआ, वो एक दूसरे की मदद करते थे, एक साथ चले हैं सृष्टि को बचाने के लिए। जब भी अधर्म हुआ है तो वो जरूर उन्होंने अवतार लेके जो भी बुरे लोग हैं उनका सर्वनाश किया है। तो फिर हम कौन होते हैं कि यार वो साथ में नहीं पहन सकते तुलसी माला, वो रुद्राक्ष के साथ पहनेंगे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या ये हो जाएगा। तो ये सब आप अपने दिमाग से निकाल दें। आप पहनना चाहते हैं तो ज़रूर पहनें तुलसी माला और रुद्राक्ष माला एक साथ। अब एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि देखो, जो तुलसी माला है और जो रुद्राक्ष माला है वो सेम ही काम करती है ऑलमोस्ट। कुछ थोड़ी बहुत बातें अलग इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम ही काम करती है। तो मुझे समझ में नहीं आता आप दोनों क्यों पहनना चाहते हैं। हाँ, आप दोनों के भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप दोनों की भक्ति कर सकते हैं, पर दोनों को पहनना मतलब मुझे समझ आया, दोनों आपके मेडिटेशन में मदद करेगी, नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाएगी, और जो आपके अंदर गुस्सा है उसको वो कंट्रोल करती है, और भी जो भी हैं वो सब उसमें हैं दोनों में एक साथ। तो फिर आप दोनों साथ क्यों पहनना चाहते हैं? आप एक ही सर दर्द के लिए दो गोली क्यों लेना चाहते हैं? ये मुझे थोड़ा कम समझ में आया कि आप दोनों क्यों, लेकिन आप धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन बड़ा है, कौन परमात्मा है, शिव जी हैं या विष्णु भगवान है, कौन बड़ा है? तो आप हैं कौन, मतलब हम आप और हम हैं कौन, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ये डिसाइड करने वाले, या फिर ये मतलब कंपैरिजन करने वाले, हमारी कुछ भी नहीं, हम तो छोटे से तुच्छ मनुष्य हैं, हमारी कोई औकात नहीं है ये सब करने वाली। तो आप ये बिल्कुल भी पाप ना करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है ये कंपेयर करना कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, शिवजी ज़्यादा पावरफुल हैं या विष्णु भगवान ज़्यादा पावरफुल हैं या वो भगवान ज़्यादा पावरफुल है, अगर हम दोनों की लड़ाई करें तो कौन, ये सब आप मत करो, बचकाना रखते हैं, ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है। आप बस फोकस रहो अपनी लाइफ में, और जो आपको धारण करना है आप कर सकते हो बिना किसी वहम, कैसे बोलते हैं ना, बिना किसी की, क्योंकि इंटरनेट पर तो बहुत लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो सब सुनने बैठोगे तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है, आप वही करो जो सही है, और आप दोनों पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो, नहीं तो आप सिंगल बीड भी पहन सकते हो, दोनों में से मतलब कुछ भी आप एक धारण कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा और दोनों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, विष्णु भगवान का भी और महादेव का भी, या फिर जो भी आपके भगवान आप मानते हो उनका भी। तो बस मेरे ख्याल से यही वीडियो था, छोटा सा मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, कन्फ्यूज़न होता है, डर लगता है, लोग डरा देते हैं, खासकर आंटीज़ और मम्मीज़ ज़्यादा डरा देती हैं। तो फिर आप ये सब बातें छोड़ दो, बिंदास जो आप करना चाहते हो, जो आप पहनना चाहते हो वो आप धारण कर सकते हो, जो भी भगवान का आप फॉलो करते हो उनका नाम लेके। बाकी अगर आपको कुछ भी तुलसी माला पे जानना है तो मालाज वाला वीडियो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, एवरीथिंग अबाउट रुद्राक्ष वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें और भी क्वेश्चंस हैं जैसे सेक्स के बारे में, मास्टरबेशन के, रात को सोते वक्त, नहाते वक्त कैसे रुद्राक्ष धारण करना है, नहीं करना, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। 1 to 14 मुखी रुद्राक्ष वाली प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं।
और आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख सकते हैं, इंस्टा आईडी पे आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, राधे राधे, श्याम मिला दे, टेक केयर, बी विद योर फैमिली एंड बी जॉयफुल, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन किस बात की।